हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ई की पावर माइनस ए टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, हम इसको फॉर्मूले से करने वाले हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला जो होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, एक्स ऑफ ओमेगा इजिकल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस ए टी यू टी। ठीक है, तो ये हमारा एक्स टी की वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस ए टी यू टी। तो इस वाले फॉर्मूले में मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इजिकल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कितना वो e की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यू टी आ रहा है, यू टी कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। ठीक है, यू टी कहाँ से होता है, जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से होके क्या आता आ जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, जीरो से लेकर इन्फाइनाइट ई की पावर ए टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, मैं इसका एक बार ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ कैसा होता है इसका ग्राफ। e की पावर माइनस ए टी का ग्राफ कैसे शुरू होगा, और टी का स्टू जीरो रखोगे तो वैल्यू क्या होगी, वन होगी, यानी वन से शुरू होगा। ठीक है, ये वैल्यू कितने होगी, वन, और इस तरह से ये क्या होता है, घटता चले जाता है। ठीक है, देखो ये ग्राफ होता है इसका e की पावर माइनस ए टी यू टी का। ठीक है, इसी वजह से लिमिट क्या है, जीरो से लेकर क्या आता गई है, इनफाइनाइट तक गई है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग है यानी कन्वर्जिंग है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सर्ट कर जाएगा, ये क्या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन। तो इसका बस निकालता हूं यहां से, अब क्या बचा है, एक्स ऑफ ओमेगा। अब देखो यहां पर क्या सोल्व करेंगे, यहां पर बहुत ध्यान से करना, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ई पावर ए टी माइनस जे ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन, माइनस बाहर निकाल देता हूँ मैं, माइनस टी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऊपर कर दूँ, एक्स ऑफ ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, जीरो टू इनफाइनाइट, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और टी बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए प्लस जे ओमेगा टी को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आगे लिख के पीछे लिख दे रहा हूँ, तो मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया था, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस जे ओमेगा। और हमें पता है क्या क्या होता है इसका, ई की पावर एक्स का हमें अगर डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, यूज करते हैं क्या, यू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेट u इज इक्वल्स टू माइनस ये सॉरी प्लस वाला लो, चलो माइनस वाला ले लेता हूँ, a प्लस जे ओमेगा टी। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यू मान ली, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, du कितना हो जाएगा, du की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ dt की t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, a प्लस जे ओमेगा t का कितना आ जाएगा, dt। ठीक है, तो मैं यहाँ डी टी की वैल्यू निकाल लूँ, तो डी टी की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी यू अपॉन माइनस का ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट भी निकाल लेता हूँ, नई लिमिट क्या बन जाएगी, जब व्हेन टी कस टू जीरो है, तो यू की वैल्यू कितनी होगी, टी कस टू जीरो, तो ये कितना जाएगा, माइनस ए प्लस जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय जीरो, यानी जीरो। और जब वैन टी बराबर इन्फिनिटी है, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए प्लस जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी। अब ये क्या कर देना, मुझे ये सारी वैल्यू इंटीग्रेशन में रख देनी है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर सारा करके दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट कर देता इंटीग्रेशन तो दिक्कत हो जाती।
तो अब ये किसका फंक्शन हो जाएगा, ओमेगा का न रह के यू का, ठीक है। जीरो जब जीरो रखा था तो जीरो ही रहा था, जब इन्फिनिटी रखा था माइनस का इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और ई की पावर कितना आ जाएगा, यू, ठीक है। पूरा इसके मान लिया था मैंने यू बराबर माइनस ई की पावर ए जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ये आ गया था, मैंने इस वाली वैल्यू को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया वहाँ पे यू आ गए। डी टी की वैल्यू कितनी है, डी टी की वैल्यू है ये डी यू अपॉन माइनस का ए प्लस जे ओमेगा, ये माइनस ए प्लस जे ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, इसको क्या कर दूंगा मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊंगा। तो मेरा एक्स ऑफ यू कितना आ गया, बाहर निकाल दो इसे माइनस वाला जो उसमें वेरिएबल है, e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर u ही, ठीक है। e के इसमें सेम रहता और इसका मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा जीरो से माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। आगे देखो, एक सीख लो उसके बाद अपने आप डायरेक्ट ही मैं करना सिखा दूंगा वहां से। ये माइनस को मैं ऊपर ले जाऊं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है, सबको पता है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, ये होगी वैल्यू जीरो, e की पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, एक्स ऑफ यू बराबर कितना आगा, माइनस वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, यानी माइनस वन, माइनस वन की माइनस वन से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, ये प्लस का वन ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है। और जो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है इंडिपेंडेंट होता है किस पे, वेरिएबल पे, तो एक्स ऑफ यू की जगह मैं क्या लिख लूंगा, एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, ए प्लस जे ओमेगा। तो हमारा जो e की पावर माइनस एटी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आया वो कितना आया, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। यही काम यहाँ पर कर सकते हो तुम, चाहे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, यहाँ पर u लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख लेंगे डायरेक्ट, एक्स ऑफ ओमेगा, सब जगह लिख लो ऐसे एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया, यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया मैं उसका आंसर लिखता हूँ, e की पावर माइनस ए टी, देखो ये फॉर्मूले याद रखने, इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आया कितना आया, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज करूंगा आगे क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करके दिखाया, आगे अगले से क्या करूंगा, डायरेक्ट निकालूंगा इंटीग्रेशन, इतना यू सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाऊंगा। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे काम हुआ यहाँ पे, ये सारा यू सब्स्टिट्यूशन से बच सकते थे तुम। कैसे, देखो e की पावर माइनस ए जे ओमेगा टी डी टी लिखा, तो हमें पता है e की पावर में जो भी होता है वो सेम आता है, तो e की पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी ये तो सेम ही देता, अपॉन जो भी ऊपर होता है ना उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाता तो नीचे क्या आ जाता, माइनस ए प्लस ये जो लिखा, देखो मैं एक बार यहाँ पर करके आप दिखाता हूँ शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। शॉर्टकट क्या होता, जब भी e की पावर में देखो ना और यहाँ पे t हो, ठीक है, वेरिएबल में क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, t स्क्वायर या t की और कुछ पावर नहीं होनी चाहिए, तो क्या आता e की पावर में जो भी लिखा बिल्कुल एज इट इज रहने दो, बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं करो, अगर केवल t है ऊपर, ठीक है, नीचे क्या करना, जो भी ऊपर पावर है पावर का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पे केवल टी है, टी का हो जाता है वन, और जो ए प्लस जे ओमेगा वो सेम आ जाएगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन यही आया था वहां पर, ये क्या शॉर्टकट, आगे से मैं इस तरह के शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ, ठीक है, पता होना चाहिए ये शॉर्टकट, वैसे ही पता होंगे क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में ही हम इंटीग्रेशन इतना अच्छे से पढ़ के आते हैं, फिर और यहाँ तक तो आते आते एक्सपर्ट ही हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट ही आ गया, इस तरह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल करने हैं, यहाँ पे इतना यूज सब्स्टिट्यूशन, ये वाली बातें क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते थे, ये छोड़ दो, ठीक है। फिलहाल एक होमवर्क मैं देता हूँ, अभी तुमने क्या करा, राइट साइडेड वाले वेवफॉर्म का फाइंड किया, अब होमवर्क में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये होमवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं किसका निकालना है, जो राइट साइड में घटती हो जा रही होगी, ठीक है, तो इसका तो मैं क्या करना, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना और सबको निकालना, ठीक है। ये क्या, e की पावर किसका आई है, e की पावर at
ई की पावर एट सॉरी ई की पावर एटी यू ऑफ माइनस टी, सब इसका क्या करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक है फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो सब इसका कमेंट करेंगे। देखो मैं इसका जो लिखने वाला हूँ रिजल्ट किसी को आगे वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है इसलिए सब इसको ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है इसका आंसर, इसकी लिमिट कहाँ से हो जाएगी, मैं लिमिट का हिंट दे देता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक है ये, ठीक है तो बस इसको बस कर देंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद क्या करना डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके बस इसका आंसर कमेंट करना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।